कि कुबेर को अपनी शुदा को भूलकर अपने पास संचित धन का उपयोग करना सीखना होगा। उसे यह समझना होगा कि उसका यह अतिरिक्त धन इस संसार के हित के लिए और कुबेर को समझाने का यह कार्य मैं शीघ्र ही स्वयं करूंगा। ऐसे घूर घूर के लालचियों की भांति मेरे भवन को देख रहा है, निसंदेह कुछ मांगने आया है। दशानन, कैसे हैं प्रातः? इतने वर्षों पश्चात देखा है तुम्हें। कहीं भ्रमण पे जा रहे होगे तो सोचा होगा कि अपने बड़े भाई से मिलता चलूं। अच्छा किया, कुछ क्षण विश्राम करके चले जाना। मैं यहां से इतनी शीघ्र जाने के लिए नहीं आया प्रातः। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम यहां करोगे क्या? मुझे अपने महादेव के पास जाना है, किंतु उन तक पहुंचने का मार्ग मुझे नहीं पता, पर इतना अवश्य जानता हूं कि कैलाश यहां से समीप है। इसलिए आपके पास यहां रहते रहते उनके पास पहुंचने का प्रयास अवश्य करूंगा। कैलाश तक पहुंचने का प्रयास? ठीक है, अवश्य करो, किंतु यहां रहते रहते मेरे कार्य करने में मेरी सहायता करोगे या? अवश्य करूंगा प्रातः। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, वैसा ही करूंगा। चलो, बिना पारिश्रमिक दिए मुझे एक दास मिल गया, अब मैं इसका भरपूर लाभ उठाऊंगा निशुल्क। पुत्री, अपने परिवार को एक साथ बांधे रखने के लिए महादेव से तुम्हारी मांग उचित है और इसे केवल महादेव ही पूर्ण कर सकते। ये भी स्मरण रहे, यदि तुम्हारे प्रेम के लिए महादेव वैराग्य त्याग कर दाम्पत्य जीवन स्वीकार कर सकते हैं तो वो एक भवन के लिए अवश्य तैयार हो जाए। इतना विश्वास तो अपने जमाता पर है हम। अब हमारे लौटने का समय आ गया है। और ये हमारा सभागृह है।
और ये अतिथि कक्ष। ये शयन कक्ष है। और ये हमारा यहाँ क्या है ब्रात? ये कोषागार है, इसे केवल मैं ही संभालता हूं। तुम्हें इसमें कोई भी रुचि नहीं होनी चाहिए दशानन। जी ब्रा, एक छोटी सी कुटिया में रहने वाले एक निर्धन के पुत्र ने एक ऐसे भव्य महल का निर्माण किया है जो सचमुच प्रशंसनीय है। किंतु भ्राता, आपके इस भव्य महल में वास्तु दोष है। वास्तु दोष? जी, आपका यह कोषागार वास्तु स्थिति के अनुसार है, किंतु शेष सभी में वास्तु दोष है। ऐसा वास्तु जो आपके लिए कठिनाइयां उत्पन्न करेगा, संकटों को निमंत्रण दे। अब तुम आ ही गए हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस भवन को सारे वास्तु दोष से मुक्त कर दोगे। अवश्य भ्राता। संसार का सबसे गुणी वास्तुकार अब मेरे भवन का पुनः निर्माण करेगा, वो भी निशुल्क। मेरे कोष से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी। महादेव ने धनाधिपति कुबेर को धन संचय की निरर्थकता और वितरण की आवश्यकता का महत्व समझाने का निर्णय लिया है। ये सुनकर मैं तो बड़ा चिंतित हो रहा हूं। क्या महादेव कुबेर को कोई दंड देने वाले हैं? इस संसार में कुबेर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है नारद, किंतु वो अपने पथ से भटक गया, लोभी हो गया। एक लोभी को कोई निर्लोभी ही सही दिशा दिखा सकता है नारद। अब ये शिवलिंग उठाओ और वहां रखो। जग जोगी आया रे, जग जोगी आया कुबेर, जाग कुबेर जोगी आया तेरे द्वार पे, जोगी आया कुबेर, जाग कुबेर जग जाग कुबेर, तेरे महल में जोगी आया है। जग जोगी आया रे, जग जोगी आया कुबेर, तेरे महल में जोगी आया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं दशा, समस्त संसार में तुम मेरे सबसे महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध होगे। किसके स्वर है ये जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? जाग कुबेर जोगी आया, जाग कुबेर जाग, अब तो जाग।